शो क्लिप्स में आपका स्वागत है जहां आप झट झट से बहुत कुछ सीख सकते उसके पहले एक अनरिलेटेड चीज कहना चाहूंगा मेरे लिए आप आज वास्तुशास्त्र के रोहित शर्मा हो अच्छा प्लस आपकी शक्ल भी थोड़ी रोहित शर्मा से मिलती है <laughs> आ, बिल्कुल ये कहते लोग आपको बहुत ज्यादा okay. अब हाल अब मुझे भी लगने लगी पहले नहीं लगता था पर अब मैं मानने लगा इवन मेरे साथ तो एक वेडिंग में भी हुआ मैं वहां पर गया तो किसी ने बोला अ, मेरा गार्ड ही था जो तो उन्होंने बोला कि आपको पता है ये कौन है कौन है ये रोहित शर्मा के भाई हैं वो मान <laughs> वो मान भी गए इतना तो नहीं होना चाहिए तो अब यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में लोग बहुत पर यहाँ कॉम्प्लीमेंट ये और सारे क्रिकेट फैंस ये जानते हैं कि उनके चेहरे पर ना जेन्यूनिटी दिखती है Genuity. वो आपके चेहरे पर भी है hmm. कि जेन्यून सब्जेक्ट hmm. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फेक हो ना तो आपकी दूरी लंबी नहीं है आप शॉर्ट टर्म के लिए धरती पर आए हो इफ यू वॉन्ट टू गिव दिस लेगेसी टू योर किड्स है ना तो आप फेक नहीं हो सकते मैं ऐसी कोई भी बात बोल जाऊँ जो सबको पता लगती है आपको झूठ नहीं पता लगेगा क्या या आपकी ऑडियंस को झूठ नहीं पता लगेगा किसको नहीं लगे हम किसको मूर्ख समझ रहे हैं तो वेन आई विल बी ट्रुथफुल टू वार्ड्स माई साइंस आई विल ग्रो क्यों वास्तु में लोग अभी तक बहुत बड़ा दुख का विषय ही है कोई भी व्यक्ति जो एस्ट्रोलॉजर हो वास्तु कंसल्टेंट हो अमीर नहीं है क्यों नहीं है पंडित अमीर क्यों नहीं है एक शादी पे पचास करोड़ रुपए का खर्चा होता है इक्यावन हजार रुपये पंडित को दे देते हैं क्यों कर रहे हो ऐसा क्योंकि अब जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अपने फादर का रोल नहीं रखना चाहती वो पंडित नहीं बनना चाहते वो वास्तु कंसल्टेंट नहीं बनना चाहते वो एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना चाहते क्यों क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है बेचारों के पास किसने खराब किया मैंने आपने हमारे बड़ों ने हमारे आसपास के लोगों ने डाउट क्रिएट किया अगर आप अपनी शादी पे 50 करोड़ रुपए लगा रहे हो तो एक पंडित को अच्छी रकम देने में अरे इसने क्या करना है मंत्र ही तो पढ़ने हैं ये कैसा सवाल है ये कैसी बात है पता है मेरा एंगल ये है कि ये सारे ना दिव्य विद्याएं होती हैं इन अ वे ऑकल्ट होती है क्योंकि आप एनर्जी की बात कर ऑकल्ट में ना कॉन मैन या कॉन वुमेन होने का रूम होता है hmm. आ, और भारत में बहुत सारे लोगों के इंटेंशंस इन विद्याओं के साथ गलत है ऐसे विद्याओं को ही गलत इस्तेमाल करते हैं हाँ बहुत कम है जो जेन्यून है हाँ. और किसी की जेन्यूनिटी एक तीन घंटे की कॉन्वर्जेशन के बाद पता चलती, पता है।, चलती है। लोग जो जेन्यून नहीं है ना उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि आप सामने वाले को सिर्फ के साथ तोलते हो सिर्फ के साथ तोलना समझते हो यार आप सिर्फ यही तो कर रहे हो आप सिर्फ पतरी तो देख रहे हो आप सिर्फ वास्तु ही तो कर रहे हो आप सिर्फ फेरे ही तो करवा रहे हो जब तक आप खुद और सामने वाला इस सिर्फ से ऊपर नहीं बढ़ेगा हमारी साइंसेस ग्रो नहीं कर सकते और इस बात का फायदा दूसरे लोगों ने हमेशा से उठाया अगर मेरा मानना यह है कि जितना कोई डॉक्टर सबसे अमीर इस धरती पर है उतना एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट होना चाहिए सिद्ध व्यक्ति होना चाहिए जो भी सबसे अमीर है वो ही जानता है कि पैसे की क्या वैल्यू है या उसको कैसे छोड़ा जा सकता है जब आप राजा हो ना तो ही आप बुद्ध हो सकते हो अगर आप राजा नहीं हो तो आप बुद्ध नहीं हो सकते तो मेजर प्रॉब्लम इन कि हम सभी लोग अपनी विद्याओं को बहुत छोटा समझते गए बहुत छोटा और अगर मैं जैनविन हूं तो विद्या ने मुझे अपनाया और बहुत विद्या की भी खुद की एनर्जी होती है विद्या की खुद की एनर्जी होती है आई एम द चूजन वन मैं तो ये बात हमेशा बोलता हूं कि एक 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 वन फाइन डे घटित हुआ दिन मुझे लगा मुझे ये करना है और हम पहुंच गए और मुझे रस्ते में दिखाई दिया सबने बोला यार वास्तु कंसल्टेंट होता क्या है आठ साल पहले कहते कौन होते हैं ये पत्र देखेगा पंडाई करेगा शादी ब्याह करवाएगा मैंने कहा नहीं यार मैं भी नॉर्मल घूमूंगा अच्छी गाड़ी में घूमूंगा तो चैलेंजेस लिए कि आप क्या कर सकते हो नहीं कहा मुझे ऐसा लगता है कि ये साइंस ना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो फिर मुझे पैसा क्यों नहीं मिलेगा अगर आप एक डीप ट्रबल में हो और मैं आके आपको बोलता हूँ कि हंड्रेड परसेंट मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो आप पैसा क्यों नहीं दोगे और अगर मैं तब भी नहीं ले पा रहा तो फिर आई शुड नॉट बी द कंसल्टेंट है ना hmm. तो मुझे अपने ऊपर नहीं इस विद्या के ऊपर भी काम करना है लोगों तक पहुंचाना है जैसे मैं ये मानता हूं कि योग हमेशा से भारत में था है ना पर रामदेव बाबा उसका एक चेहरा बने है ना अब कुछ लोग नेगेटिव मार्केटिंग ये बहुत कुछ बोलते हैं बट उन्होंने मेहनत तो करी ना हम सब जानते हैं जैसी करी वैसी करी लेकिन दुनिया तक योग को लेकर गए अब आप अलग अलग फॉर्म्स में कर रहे हो उस योग को सबके लिए भला हुआ अच्छा हुआ तो मैं ये चाहता हूँ कि इस विद्या के लिए हम चेहरा बने कि ये विद्या जरूरी है अगर मेरे भारत में घर बन रहे हैं तो वो वास्तु स्पीशियस होने चाहिए नॉट बिकॉज पूरा भारत अमीर हो जाएगा बट बिकॉज भारत से केंद्र चले पूरी पृथ्वी का जो पहले चला करता था hmm. और दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ जब आपका स्पेस सिंक्रोनाइज होगा जो तत्व हम तब समझते थे वो अब हम समझे अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही हजार क्लिप्स अपलोड किए गए इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ